श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज की गीतावाणी, अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तू तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्य अस्य कश्चित कर्तुम अहरति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे।